महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले 6 महीने से प्याज की कीमतों में गिरावट की मार झेल रहे किसानों को अब थोड़ी राहत मिली है। अक्टूबर और नवंबर महीने में राज्य की मंडियों में किसानों को प्याज का अच्छा दाम मिला है, इससे उन्हें अब घाटे की भरपाई की उम्मीद जागी है। सतारा, कोल्हापुर, पुणे, अहमदनगर और नागपुर जिले में प्याज औसतन 17 से 19 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। हालांकि अभी किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहे। राज्य में हुए बेमौसम बारिश के कारण भी प्याज उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बहुत से किसानों ने प्याज का स्टोर किया था। किसानों ने सोचा था कि जब मार्केट में अच्छे रेट मिलेंगे तब बेचेंगे, लेकिन बारिश में प्याज सड़ गया। इससे बहुत से किसानों के लिए अब बिक्री के लिए प्याज नहीं बचा है। ऐसे में उनके घाटे की भरपाई नहीं हो पाएगी। वहीं जानकारों का दावा है कि पुणे खरीफ में प्याज की 40% फसल खराब हो चुकी है। नतीजन प्याज की आवक काफी कम है। खरीफ लाल प्याज भी 2 महीने से की देरी से बाजारों में आने की उम्मीद है। लाल प्याज दिसंबर के पहले सप्ताह में बाजार में आ सकता है। उधर महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि प्याज की कीमतों में थोड़ी तेजी देखी जा रही है, इससे किसान खुश है लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि इस साल पूरे सीजन में किसानों को उचित दाम नहीं मिला। वहीं बहुत से किसानों का स्टॉक किया हुआ प्याज सड़कर खराब हो गया। अब किसानों के पास प्याज बिक्री के लिए बचा ही नहीं है। ऐसे में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का सभी किसानों को लाभ नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।